हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वाटरप्रूफ मेकअप लाइव रिजल्ट के साथ। पूरा मेकअप करने के बाद अपने फेस पे पानी डाल के दिखाऊंगी कि मेकअप निकलता है कि नहीं। पूरा रिजल्ट देखने के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जो भी वाटरप्रूफ मेकअप सीखना चाहते हैं उनको हेल्प मिल जाए। तो अभी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, कुछ भी नहीं लगाया मैंने। हाँ, अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग लाना है तो आप नारियल का तेल पहले फेस पे अप्लाई कीजिए, तो उससे आपका मेकअप भी सांवला नहीं पड़ेगा और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा ये वाला टिप्स। ओके, तो मैंने नारियल का तेल पहले से अपने चेहरे पे लगाया हुआ है। उसके बाद से मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करी, 7 इंच का ये कंसीलर है, इसी से मैं मेकअप करूँगी। ये लैक्मे 9 to 5 का प्राइमर है, लैक्मे 9 to 5 का फेस पाउडर है और ADS का काजल है, लैक्मे 9 to 5 का आई लाइनर और वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा है और हुड्डा ब्यूटी का लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक है। इससे मैं वाटरप्रूफ मेकअप करूँगी और रिजल्ट लास्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या इन सब प्रोडक्ट से वाटरप्रूफ मेकअप हो सकता है और पानी के साथ मेरा मेकअप निकलता है कि नहीं, ये भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लशर मैं यहाँ पे ये वाला यूज कर रही हूँ, ट्रिपल ब्रेक का ब्लशर यूज करूँगी। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। फिक्सर है, किस ब्यूटी का फिक्सर है, मेकअप फिक्सर। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करूँगी। पूरा रिजल्ट देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये प्राइमर इतना सा लिया है मैंने और इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। प्राइमर मेकअप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्राइमर के अगर आप मेकअप करोगे तो अच्छे से मेकअप आपका नहीं रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा और मेकअप कैकी सा दिखेगा और फटाफटा सा मेकअप दिखने लगता है। तो मुझे भी आप मेकअप करते हैं तो प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें। ओके, इसका कंसीलर अभी मैंने इसको एक बार भी अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ इसको। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है इसका। अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही आप कंसीलर का चूज कीजिएगा। जितना प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो उतना ही आपको गर्दन पे भी अप्लाई करना होता है। ओके, मैं ब्लेंडिंग अपने हाथों से ही करूँगी, बहुत ही अच्छी खुशबू भी है इसकी। आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। गाइस, आप ब्यूटी ब्लेंडर जब भी यूज करो, देखिए बहुत ही अच्छा है। 7 इंच का भी कंसीलर आप ले सकते हो। ओके, बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसको सेट करने के लिए लैक्मे 9 to 5 का पाउडर लूंगी, कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको ब्रश की मदद से अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे ADS का काजल अप्लाई किया है और इसको मैं ADS के काजल को आईब्रो फिल लगा के और इस तरीके से ब्रश से इसको ग्राइंड कर दूंगी। ओके, फिर से इससे थोड़ा सा हम लोग
थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर से काजल पे भी अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका मेकअप वाटरप्रूफ रहे। उसके बाद से मैं यहाँ पे ब्लश यूज काजल अप्लाई कर ले रही हूँ अपनी आईज पे। इस तरीके से आप काजल लगाते हो तो आपकी आईज बड़ी दिखती है। उसके बाद लाइनर अप्लाई कीजिए। ओके, लैक्मे 9 to 5 का लाइनर सबको पता है वाटरप्रूफ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से यूज करती हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता भी होगा। मैं थोड़ा भी वीडियो को भगा नहीं रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। थोड़ा सा लाइनर मैं अपने लो वाटर लाइन पर भी अप्लाई करूँगी। वैसे ये वीडियो एक चैलेंज भी होगा वाटरप्रूफ मेकअप के लिए। मेकअप फिक्सर यूज करने के लिए कभी भी आपको पास से अप्लाई नहीं करना, कम से कम 1 फीट के ऐसे 1 हाथ की दूरी से आपको मेकअप फिक्सर अप्लाई करना है। ओके, तो अभी 5 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद से मैं अपना लाइव रिजल्ट देखूँ। तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो कितना शाइनिंग सा मेकअप ऐसे लग रहा है विदाउट पानी डाले। अब चलते हैं पानी डाल के देखते हैं कि फेस का क्या हाल होता है। वाह, मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकला है गाइस, आप देख सकते हो। एक बार और तो ये मेकअप वाटरप्रूफ है, रिजल्ट आप देख सकते हो, कहीं से भी कुछ भी नहीं निकला है। और आपने मेरा लिपस्टिक भी बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो आप ये मेकअप कर सकते हो, और जब भी आप ये मेकअप करते हो तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका फेस भीग जाए तो आपको पता है आपने मेकअप लगाया हुआ है, तो आप मेकअप को कभी भी जोर जोर से रगड़ के तो निकालोगे नहीं, तो मेकअप निकल जाएगा। आप देख सकते हो मेरे हाथों पे भी बिल्कुल भी मेकअप का प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। और ऐसे टैप टैप करके आप इसको सुखा लीजिए, देखते हैं पोछने के बाद से क्या हाल होता है। ये देखिए आँखों का काजल बिल्कुल भी नहीं आया है इस पर, लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं फैल रहा है। तो आप इस तरीके से वाटरप्रूफ मेकअप कर सकते हो, पसीना आए पानी आए कुछ भी हो आपका मेकअप बिल्कुल नहीं निकलेगा। और आपने लाइव रिजल्ट देख ही लिया, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को हेल्प।
तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरा मेकअप वैसे का वैसे शाइनिंग सा, ग्लोई सा दिख रहा है ना। बाय बाय।